प्रांत के मैं हूँ ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बांका जिले में 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों को संविधान एवं कर्तव्य और अधिकार का पाठ पढ़ाया और शपथ ली गई है कि आज के शपथ समारोह में जिले के कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर देश भर के 20 राज्यों में 410 से अधिक जिलों में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर 1 करोड़ से अधिक बच्चों के साथ संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर KSSCF ने बांका इकाई से सेवा भारती संगठन के साथ मिलकर बिहार के 10 जिलों में स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में और हजारों बच्चों ने संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया है। बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने सरल और स्थानीय भाषा में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। बच्चों को भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों, कर्तव्य और उनकी मुख्य विशेषताओं से भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर बच्चों ने संविधान में उल्लेखित कर्तव्य और अधिकारों के पालन की शपथ ली है। राज्य में आयोजित इस कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा भारत की संविधान को स्वीकार किया गया जो 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। इस अवसर पर सेवा भारती अधिकारी रितेश रंजन एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शरद चंद्र सिन्हा ने कहा, हमें ये जानकर खुशी हो रही है कि हमारे सहयोगी से विभिन्न पृष्ठभूमि के गरीब और हसीय के बच्चों ने संविधान दिवस पर हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। लाइव टीवी समाचार के लिए उमाकांत सहा की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।